अरे कौन बोल रहा है सर? सुनिए, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। मैं पॉलिसी बेचता हूँ। रहेंदा तू महंगी बेचता होगा, हमारा लौंडा बाजार से ले आएगा। अरे मेरा मतलब है कि सर हम लोग जीवन बीमा करते हैं। और अभी तो कह रहे आके पॉलिसी बेचता हूँ। सर जी एक ही बात है, हम लोग बीमे की पॉलिसी बेचते हैं। तो बीमा क्या कर रहा है? पक्का खाली फिर रहा होगा। अरे समझने की कोशिश कीजिए सर, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। अच्छा इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आप मरेंगे, भाड़ो तो भी मरेगा, तू रिमोट से चल लिया। अरे पूरी बात तो सुन ले यार मेरा भैया। अरे तो बोल है ना, तुम यहाँ शांति से बात क्यों नहीं कर रहे हो? शांति है नहीं, बाहर पानी लेन गई है। इसका लाइफ इंश्योरेंस करके रहो, ये तो आत्मा ही नहीं देगा यमराज को। हेलो सर, मैं फेडरल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कहा रिचार्ज करा लो तो जिंदी सिम निकाल कर चप जाऊंगा। अरे तो 1.5 महीना हो गया, तुम अपनी सिम पे रिचार्ज करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं एक एक दिन गिनिया भाड़ू तेरी बहू की सिम है ये। देखिए सर, आप अब शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें, ये कॉल ना क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो जब पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो इसकी CD छपवाई दिए CD। अरे जब आप अपनी सिम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उस सिम का क्या फायदा, क्यों फोन में डाल रखी तुमने? नेटवर्क के डंडे देख के मजा आ रहा है। तू जब पैदा हुआ था नर्स के हाथ से छूट गया था। अरे नेटवर्क के डंडे देख के किसको मजा आता? अजय हमको किसी से बात नहीं करनी है तो हम रिचार्ज क्यों कराएंगे? क्यों नहीं करनी बात? ना तू मेरी फुप्पू है तुझे बताऊंगा। और हमें जब अपने भैया से बात करनी होती तो वो उधर से फोन लगा लेती है। अरे उधर से भी फोन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी सिम पे इनकमिंग बंद हो गई है। उसका लगेगा नहीं, और तू दिन में 36 बार फोन कर रहा है, तू जादूगर है। अरे दत्ता हम कंपनी की तरफ से बात करते हैं, हमारा कंपनी का नंबर है इसलिए लग जाता है। अजय तो हमारा भैया कोई छोले बेच रहा है, वो भी कंपनी में ही काम करता है। अच्छा कौन से नेटवर्क की कंपनी में सर? नेटवर्क का तो पता नहीं लेकिन कंपनी का नाम रॉकेट है, साबुन बनाती है। हेलो सर, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? अगर लोन का पैसा लेने के लिए फोन लगाया है तो हम बहुत जलील करेंगे, फोन काट दो। अरे तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपया लिया तो हम तुमको फोन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो हम तुमको पैसा देंगे नहीं, तुम बेवजह जोर लगा के अपनी टट्टी और निकाल लोगे। अरे जब तुमने लोन लिया है तो वापिस क्यों नहीं दोगे? अरे 6 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, पहली बात तो हमारे पास है नहीं, और अगर होती हम तुमको तब ना दे। अरे तो इसका मतलब ये है कि जो हमने तुमको 6 लाख रुपया दिया वो हराम का था? अरे नहीं, हमने तुम्हारा पैसा हराम खा लिया। अरे कैसा आदमी है, मतलब कोई तो प्लान होगा, सेटलमेंट करोगे तो कितना पैसा दे सकते हो ये बताओ? अरे सेटलमेंट मजबूर आदमी करता है, हमने जिद रखी हुई है कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देना है, मतलब तुम सबके साथ ही ऐसे करते हो का? अरे नहीं, हमने एक बार अपने दोस्त से 50,000 रुपया उधार लिया था, फिर उसने हमसे एक दिन मांगा तो तुमने दे दिया उसको 50,000 रुपया? नहीं यार, हमने 7,000 रुपए दे के डॉक्टर को उसकी याददाश्त मिटवा दी। अरे तुमको जिंदगी में माफ नहीं करेगा वो। अरे रहने दो, उससे फिर से दोस्ती करके हमने कल 13,000 और ले लिए। अरे ऐसे लोगों के घरों में शैतान कोने में बैठ कर रोता है कि ऊपर वाले तूने हमसे खतरनाक आइटम बना दिया। दिमाग तो किसी ने निकाल ही लिया मेरा। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, लौंडा पेड़ पे से गिर गया और उसने हाथ तोड़ लिया। कीड़ा मार दवाई खिलाओ इसे। अरे हाथ टूटे में कीड़ा मार दवाई नहीं, में कीड़ा था तभी तो पेड़ पे चढ़ा ये। पहले इसका कीड़ा मारो ना, ये दूसरा भी हाथ तोड़ लिया। डॉक्टर साहब मेरी बीबी के ऑपरेशन का क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके यहाँ पे लड़का हुआ है। अजय वाह, डॉक्टर साहब मेरी बीबी को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। ना बच्चा तेरा मैंने सोफे में से खींचा जो तू बीबी को सरप्राइज देगा। उसे क्यों बता दिया तुमने डॉक्टर साहब? अरे ये किसने खुला छोड़ रखा, बांध लो इसे। सर आप अपने बच्चे को देख सकते हैं? नर्स जी देखने में कैसा है मेरा बच्चा? ना यहाँ कागज पर बना के दिखाएगी तुझे ये, खुद जाके नहीं देख मिल लिया? अरे सर आप आ जाइए, बहुत प्यारा है आपका बच्चा। फिर इसका तो नहीं है ना? अजय डॉक्टर साहब मजाक मत करो, आज मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार अपना बच्चा देखूंगा। और वो जो तुझे देख के चीखा मारेगा मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अरे डॉक्टर साहब उन बातों को छोड़ो, लो बर्फी खाओ। बर्फी के चाहे दोनों पीत तू खा ले, लेकिन बच्चा यही छोड़ जा अपना। अब मैं रैप्टा